इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, कल जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 74 सीटों पर आई है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतंत्र के प्रति जो उनका जुनून और जज्बा था, जम करके जुनून और जज्बा दिखाई पड़ा, उसको मैं नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ। तमाम लोगों ने, तमाम गुमराह करने वाला जो गुपकार गैंग था, गुमराह गैंग, उसने जो है लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। पहले कहा कि साहब हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके भारत के लोकतंत्र के प्रति विश्वास दिखाया, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास दिखाया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति जो विश्वास दिखाया, वो निश्चित तौर से एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। चुनाव में जो भी रिजल्ट आए वो बहुत ही उत्साहवर्धक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वैली के रिजल्ट हों और चाहे जम्मू के रिजल्ट हों। और अगर आप देखें, ये चुनाव जो है वो लोकतंत्र में पहली बार हुआ, जबकि पूरे देश में जो है वो जिला पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला परिषदों के चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं होता था क्योंकि 1970 उसमें रोड़ा था। तो लोगों ने जो है वो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी करके इस बात को साबित किया कि भारत के लोकतंत्र के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना अटूट विश्वास है। लेकिन सर, गुपकार संगठन जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट लेकर आई है, और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि कश्मीर के लोगों ने गुपकार के हक में वोट दिया और केंद्र द्वारा जिस तरह से गलत तरीके से 370 लगाया गया उसका ये जवाब है। ये बताओ, गुपकार ने क्या कहा था? गुपकार डिक्लेरेशन क्या था? गुपकार डिक्लेरेशन था कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं अलगाववादियों के साथ मिलकर के। वो डिक्लेरेशन कहाँ गया? बहिष्कार तो लोगों ने किया नहीं। इस चुनाव में लोगों की जम करके हिस्सेदारी, भागीदारी ही इस जो गुमराह अलायंस है इसकी हार है, एक चीज। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें है कितने लोग? कांग्रेस भी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे घुसी हुई है, एनसीपी घुसी हुई है, पीडीपी भी घुसी हुई है, और पता नहीं कितने कितने अलायंस के लोग हैं। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा खुशफहमी पालने में बुराई नहीं है, गलत फहमी पालनी नहीं चाहिए। सर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने इस चुनाव को रेफरेंडम नहीं बनाया, हमने कैंपेन भी नहीं किया, और उसके बावजूद भी जनता का इतना बड़ा साथ मिला, भारतीय जनता पार्टी बेफिजूल का खुश हो रही है। कैंपेन नहीं किया, इस सारे के सारे गुमराह करने में लगे हुए थे, ये भी कैंपेन कर रहे थे, इनके जो अलगाववादी साथी थे वो भी कैंपेन कर रहे थे, गली गली और इलाकों इलाकों में घुसे हुए थे। हमने तो खुद देखा, मैं तो तमाम जगहों पे गया, जिस तरह का ये कैंपेन, निगेटिव कैंपेन कर रहे थे, नकारात्मक कैंपेन कर रहे थे, और इनके कैंपेन का एक मकसद था कि 1-2% से ज़्यादा पोलिंग ना हो, क्योंकि उनको लगता था कि अगर पोलिंग नहीं हुई तो हम पूरी दुनिया में बताएंगे कि देखिए लोग जो है कितने नाराज़ हैं। जब पोलिंग हो गई तो अब जो है वो ख़ानदानी सुरूर और पांदानी गुरूर, इसका जो है वो एक चीज बर्फ़ पिघल रही है, और जब ख़ानदानी सुरूर और पांदानी गुरूर की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का सीधा सीधा कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, जिस तरीके से हम आगे आए हैं उस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें चुना है, और हम आगे जम्मू कश्मीर की जनता के हक में काम करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन पीयूष के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।